तो आज हम कहानी किचन की में क्या बनाते हैं, तो ये तो मेरे भांजे बताएंगे। भांजे मतलब मेरे ननद का बेटा। जी तो बस आज कुछ बना रहे हैं, आप बताइए आप क्या बना रहे हो आज हम बना बाबू। रहे हैं रेड सॉस में स्पगेटी और बोलोगी सॉस रहेगा। ये दो तरीके की स्पेगेटी जरा बना रहे ये हैं ऊपर दिखा दीजिए जो जी। स्पेशली आपकी। दो हाँ तरीके की स्पेगेटी बना रहे हैं हम, एक आलियो ओलियो और एक रेड सॉस। तो बस अब उसकी तैयारी है। ये सारा अपना सामान हमने ले लिया है, थोड़ा पानी उबाल लिया है। उसके लिए सब काट लिया है ये सामान छोटा छोटा। ये लहसुन है, बहुत सारा लहसुन लिया है कि हम 2 पैकेट बनाएंगे। हम काफी लोग हैं, ये बाहर से आए हुए हैं यहाँ। तो ये छोटा छोटा हमने कॉर्न काट लिया है, स्वीट कॉर्न, बेबी कॉर्न, बेबी कॉर्न, ब्रोकली, ब्रोकली काट ली है, रेड ये कैप्सिकम, ग्रीन कैप्सिकम और येलो कैप्सिकम, बेल पेपर्स हैं, ये सब ले लिया हमने तो ये बॉईल करने के लिए रख दिया पानी। पानी जी। थोड़ा इसमें नमक और हल्का तेल लगेगा कि नूडल्स चिपके ना। के थोड़ा सा नमक डाल रहे हैं इसमें। थोड़ा सा रिफाइंड तेल पड़ेगा, 4-5 चम्मच। और इसमें 2-3 चम्मच हम तेल डाल देंगे, मतलब जो बना रहे हैं बाबू बोलते हैं हम विविश्वान नाम है घर में, हम बाबू बोलते हैं। तो बाबू ने इसमें 2-3 चम्मच तेल डाल दिया है, रिफाइंड ऑयल डाल दिया है। तो पानी बॉईल हो गया है। अरे वाह, बड़े स्टाइल में डाली है आपने तो। जी थोड़ा जल्दी वो दब जाती है ऐसे डालने से, और अच्छा नीचे का जैसे कभी कभी होता है ना, आधा ये पक जाता है और आधा ऊपर के कच्चे रह जाते हैं, तभी थोड़ा जल्दी डूबेंगे। आ गए। वैसे पूरा डूब गया एक साथ, तो अभी एक साथ पकेंगे। अब जिस तरह से डाली थी इन्होंने तो ये पूरी एकदम से अंदर चली गई और एक साथ पकेगी। ये कुछ चीजें मैं भी सीख लेती हूँ, इनको खाना बनाने का बहुत शौक है। वैसे मेरे से मना कर रहे थे कि नहीं मामी जी आज मैं कैमरे पे नहीं आऊंगा, आज मैं अच्छा नहीं लग रहा हूँ, पर मैंने बोला कि आप तो ऐसे ही खूबसूरत लगते हो, अच्छे लग रहे हो, मैं तो ले लेती हूँ नहाया था सुबह, नहाया था पर फिर शाम में नहाया नहीं आके, इसलिए साफ सुथरे नहीं लग रहे थे। साफ नहीं, बहुत सुथरा अच्छे नहीं लग लग रहे हो, रहा किसी को पता नहीं चल रहा कि सुबह नहाए थे आप। जी तो अभी शाम का टाइम है। जी बस थोड़ा से उसे तोड़ के देखेंगे हो कि गया पका क्या। रखेंगे, तो अभी नहीं हुआ मुझे अभी ये पका अभी। नहीं है, थोड़ा सा और पकाएंगे इसे। डोबो ऐसा नहीं होता, बाबू कितने मन से बना रहे हैं और देखो तुम बोल रहे हो मैं मैं नहीं मिस खाऊंगा। करूंगा ना, मेरे को नहीं, पसंद पूरा नहीं खाना है पड़ेगा भाई आज। तो पूरा। बाबू दो तरह की बना रहे हैं। वही तो, यहाँ इतना सामान बना रखा डोबो है मना कर तो रहा है कि मैं नहीं खाऊंगा, मुझे कम टेस्ट पसंद है, मैं थोड़ी टेस्ट कर लूंगा। करना, और अच्छे वाले टेस्ट करना। है ना, और हम सोच रहे हैं कि शायद कुछ और बनाना ही नहीं पड़े, डोबो इसी से पेट भर ले अपना, क्योंकि 2 पैकेट बन रहे हैं, 2 तरह की बन रही है। और मैं एक बार में एक ही पार्ट डालूंगी, 2 पार्ट नहीं डालूंगी दोनों चीजों का। बाबू का टैटू दिखा देती हूँ मैं। वाह जी बनवाया। ये अभी 15 दिन हुए हैं मेरी बस बनाए अरे हुए। इसीलिए मैं बोल रही कि मुझे तो दिखाई नहीं, पहली बार दिखा वो है। एकदम नया, पुराना था ना, इसके नीचे उसको कवर अप करवाया है। अच्छा, क्या बनाया है वैसे? ये इल्यूमिनाटी है, फिर समय का चक्र है, फिर डेथ, मौत अरे बाप रे, अपनी अरे बाप रे। ऑलमोस्ट हो चुका है ये तो ये अब हो चुका है, जी। क्योंकि जब काट के देखते हैं तो आराम से कट जाता है जब जी बॉईल हो जाता है तो, और बॉईल एकदम नहीं जी, होता है तो थोड़ा टाइट रहता है, तो बॉईल हो चुका है ये। और तो थोड़ा बस सा अब कच्चा इसे, भी छोड़ना होता है क्योंकि और अभी फिर अब आप ही बोलिए तो। जी, थोड़ा सा कच्चा भी छोड़ना होता है क्योंकि फिर हम लोग उसको उसमें पकाएंगे अभी कढ़ाई में, तो उसमें सॉस के साथ पकेगा वो, रेड सॉस के साथ।
तो थोड़ी देर सब्जियों का पानी छूटेगा उसमें, पकेगा तो और ज़्यादा पक जाता है, मुलायम हो जाता है। थोड़ा टाइट ही छोड़ना होता है, हल्का टाइट छोड़ना होता है। इसको अल डेंटे बोलते हैं, उसमें क्या बोलते हैं? अल डेंटे, अल डेंटे। मैं नहीं बोल पाऊंगी, इतनी जीभ मेरी पलटती नहीं है, क्या करूं। अब इसको निकाल सकते हैं। बीज बनाना। तो बस हमने छल्ली में रख के छान लिया है, अब क्या करेंगे? अब इसको ठंडे पानी से धो लेंगे मम्मी जी, क्यों और पके ना ये। अच्छा, अब क्या करेंगे? इसे ठंडे पानी से धो लेंगे, क्योंकि इसका जो पकने का जो वो होता है सिस्टम होता है वो बंद हो जाएगा, और ऐसा गर्म छोड़ देंगे तो ये बहुत पक जाएगा। तो इस पर ठंडा पानी डालेंगे, नल के नीचे धो लेंगे इसे। अब पहले जाएगा ऑलिव ऑयल, ये 100 ग्राम का पैकेट था हमारा बटर का, और इसमें से 50 ग्राम हम डाल देंगे इसमें, क्योंकि पूरा एक पैकेट बना रहे हैं हम। तो ये कौन सा वाला बना रहे हो पहले आप? ये अभी हम रेड सॉस बना रहे हैं, जो बोलोगनीज वाला है वो बना रहे हैं पहले। तो इसमें डाला है बारीक कटा हुआ लहसुन, और हमने खूब सारा लहसुन लिया था तो आधा डाल दिया है, हमने 4 गट्टे लिए होंगे लहसुन के, से बारीक काट लिया था तो आधा इसमें डाल दिया, आधा दूसरे में डालेंगे। हल्का सा भूनेंगे इसे, बेबी कॉर्न डालेंगे। बेबी कॉर्न डाल दिए हमने, आधे डाल दिए, हल्का सा भूनेंगे। ब्रोकली डालेंगे, छोटा छोटा काटा है बिल्कुल हमने ब्रोकली को, और इसके नीचे की डंडी निकाल दी थी हमने, ऊपर का जो फूल होता है वही काटा है। इसे भी थोड़ा पकाएंगे, ये सबसे पहले इसलिए डाली है उसके बाद, क्योंकि थोड़ा टाइम लेती है पकने में, शिमला मिर्ची बहुत जल्दी पक जाती है। ये हल्का सा सौते कर लिया हमने, अब बाकी की चीज़ें डाल लेंगे, जो शिमला मिर्ची ली है हमने तीनों तरह की। ये रेड शिमला मिर्ची डाल दी, पीली, येलो, इंग्लिश आती नहीं है, थोड़ी बहुत तो बोल देती हूँ, ये ग्रीन है, हरी बोलती हूँ मैं। हमने आधा आधा सब कुछ इसमें डाल दिया है, बाकी का दूसरे में डालेंगे। हल्का सा सौते करेंगे इसे, स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, और थोड़ी सी काली मिर्ची डाली है पिसी हुई, पिसी पाउडर। थोड़ा ये पानी छोड़ देंगे सब्जियाँ, थोड़ा पानी छोड़ेंगी सब्जियाँ, तब तक भूनते हैं इसे। तो ये हम रागू का प्रीमिक्स ले रहे हैं, ट्रेडिशनल जो रेड सॉस आता है उसका। एक बार इसके बारे में बताओ, मान लो किसी के पास ये नहीं होता है तो आप क्या करेंगे? तो फिर थोड़ा सा टमाटर, थोड़ा सा प्याज और थोड़ा सा ऑलिव ऑयल एक उसमें आराम से उबाल के, उसके बाद फिर जब वो ठंडा हो जाए तो मिक्सी में पीस के ऐसे ही बना लेंगे, और थोड़ा सा उसको भून भी लेंगे तो बढ़िया हो जाएगा। तो ये जो ये क्या है, बन जाएगा? एक बार दिखाओ। ये रेड सॉस है रागू का, इसी का बना रहे हैं हम स्पेगेटी। एक पैकेट में कितना डालोगे इसमें? अभी ज़्यादातर हमें यूज़ करना है तो इसमें मैं आराम से एक क्वार्टर बोतल डालूंगा इसकी। क्योंकि जो ग्रेवी बनेगी इसी से बनेगी जी। तो खूब सारा डाल रहे हैं आप देख सकते हो। उन्होंने 6-7 चम्मच डाल दी शायद, है ना? 7 चम्मच डाल दी, और इसे भी भून लेंगे आप जी। अभी और लगेगी इसमें, और डालोगे इसे? कितना भूनते हैं वैसे? बहुत हल्का सा भूनने, आमिर जी की हल्का सा जो ऑयल वगैरह है वो ऊपर आ गया। बहुत ज्यादा नहीं भूनना है इसे, हल्का ही भूनना है। तो
तो जो नूडल का पानी था वो हमने बचा के रखा था, वो इसमें डाल रहे हैं। और हम छान इसलिए रहे हैं क्योंकि इसमें हम कॉर्न भी बॉईल कर रहे थे, तो अभी बॉईल हुए नहीं है कॉर्न। तो इस टाइप से हो गया ये। इसमें और पानी डलेगा अभी? जी, और गाढ़ा हो जाएगा और थोड़ा थिक सॉस बन जाएगा इस पानी की वजह से। तो ये पानी डालेंगे तो पानी भी थोड़ा सा गाढ़ा होता है, तो इसका सॉस की तरह बन जाएगा, थिक सॉस बन जाएगा इसकी। जी। क्या डाल रहे हो बाबू? ये चिली फ्लेक्स है मामी जी। अरे दिखाने दो ना। ये चिली फ्लेक्स, चिली फ्लेक्स डालेंगे। ये ओरिगेनो है, ड्राई ओरिगेनो है। ये पार्सले है, ये पार्सले है। ये थोड़ी कम है, ये थोड़ा कम डलता है, ये स्ट्रांग रहता है थोड़ा। ये अपनी बेसल है, बेसल। इसे बेसल बोलते हैं। इसका तो पौधा हमारे घर में ही लगा है, तो हमने पत्तियां तोड़ ली हैं उसमें से, तो वो डाल देंगे। थोड़ा तोड़ के डालेंगे। बाबू ने साबुती डाल दी है, मैंने बोला था तोड़ के डालेंगे। देखने में थोड़ी सही सी लगेंगी। इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है जी। बेसल, बेसल तुलसी होती है एक तरीके से, पर अलग है खुशबू, अलग है खुशबू, अलग है। हमारे यहाँ तो इसे दोना मरुआ बोलते थे। क्या बोलते थे? दोना मरुआ शायद, या दोना मरुआ, हाँ, का पौधा। अच्छा। बोलते हैं इससे सांप नहीं आते हैं घर में, जो गांव में लगाते हैं ना। हाँ, हाँ। वो लोग लगाते हैं, गांव में बहुत होता है, ऐसे ही उपज आता था ये। और बस हमारा सॉस तैयार हो गया है, तो अब हम इसमें से स्पेगेटी डाल देंगे। इतनी ज़्यादा है, हम लोग काफ़ी लोग हैं तो ज़्यादा ही बन रहा है, हमने पूरा पैकेट बनाया है। तो व्हाइट भी बना लेते हैं। अगर ये कम पड़ेगा तो दूसरा बनेगा, नहीं तो दूसरा कल बनाएंगे। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस धीमी कर रखी है इस समय पे हमने। कई बार खूब ढेर सारी सब्जियां ऊपर आ जाती हैं, कई बार नीचे चली जाती हैं। तो ये स्वीट कॉर्न डाल देंगे हम। अभी बॉईल हुए हैं हमारे ये, तो थोड़ा बाद में डाला है। तो बाबू बोल रहे हैं मैं टेस्ट करके देखता हूँ नमक वगैरह सही है कि नहीं, तो ये टेस्ट करके बताएंगे। नमक और काली मिर्च थोड़ी डाल सकते हैं। तो थोड़ा सा नमक कम लग रहा है, थोड़ी सी काली मिर्च, तो थोड़ा डाल के मिक्स कर देते हैं और बस बनके तैयार हो गया है। और थोड़ा सा टमाटर सॉस भी डाल सकते हैं। और आपको हल्की सी मिठास पसंद है तो आप टोमेटो सॉस भी डाल सकते हो थोड़ा सा। तो इसमें हमने अभी चिली फ्लेक्स डाला है, थोड़ा थोड़ा डाला, हमने बहुत कम डाला था और हमारी क्वांटिटी ज्यादा है, तो दोबारा से हम फिर सब कुछ डाल रहे हैं जी। तो अब थोड़ा ज्यादा डाल रहे हैं। बस थोड़ा सा हम टमाटर सॉस डाल रहे हैं। क्या बोल रहे थे बाबू? कह रहे इतनी ज्यादा क्वांटिटी में मसाले और चीजों का आइडिया लग नहीं रहा है, कितना बैलेंस करने के लिए कितना डालना है। हम लोग इतने सारे लोग हैं खाने वाले, तो बहुत ज्यादा बनाया है, तो बस बाबू बोल रहे हैं कितनी क्वांटिटी में समझ में नहीं आ रहा कितना क्या डालना है, पर अच्छा बना है, टेस्ट किया है अभी अभी। हमारी स्पेगेटी बनके तैयार हो गई है। आपको पसंद आती है तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें।